पानी चढ़ा के खाना खाओ और दूध हमारा बन गया। बस जैसे कि सब हो गया तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ और यहाँ पे तेल, तो अभी मैं बनाऊंगी भिंडी भुजिया सिंपल सा साधारण से। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। गर्मी में चिलचिलाती गर्मी में तड़प रही हूँ। कल जैसे कि थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, देख सकते हो पूरा कीचड़ कीचड़ सब हो गया है। तो बारिश का हुआ तो थोड़ा राहत मिला, आपको राहत मिला, नहीं तो हम गरीब हो गए। ए सी कहाँ से नसीब हुआ है ना, नहीं तो बाहर हवा में ही गुजार लेते हम लोग। नहीं तो पंखा ही हम लोग ना जोर जोर आवाज़ कर आप लोग सुन सकते हैं। एक टूटा फूटा पंखा है और एक सीलिंग पंखा छोटा सा, जो हमारे इतने सारे लोग बच्चे आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं तो उसे हवा खा लेते हैं ना। तो गाइस एक बात तो जरूर है कि मैं आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ। तो आज का ब्लॉग हमारा घर का रहेगा, जो अब मैं सोच रही हूँ जैसा मैं वैसे ब्लॉग बनाऊंगी। जरूरी नहीं है जो वो त्यौहार पर दिखा के बनाते हैं, मुझे काली हो गई ऐसा नफरत जल गया, जल के काला काला दिख रहा है, जितना कड़ा धूप है हो रहा है। अच्छा सच में अभी कल से बारिश हो रहा है, फिर भी धूप लग रहा है, धूप दे रहा है, गर्मी लग रहा है। और देख सकते मैं पानी भर रही हूँ, सबसे ज़्यादा हम लोग परसूटी में प्रॉब्लम है पानी। अब जाकर वाले ड्रम हम धोलेंगे, ड्रम को धो के हटा देंगे, उसमें भी पानी भरेंगे। भगवान भगवान ज़्यादा पानी आना होगा, क्या होगा मेरे पता है, क्योंकि फैमिली इतना बड़ा है ना, इसलिए फैमिली की वजह से पानी हम बहुत ज़्यादा भगवान को मांगते हैं। कुछ कपड़ा धोना इधर उधर फेंका हुआ है, कपड़ा सब दिख रहा है, कोई जितने कपड़ा से पहनने वाला कपड़ा सब इधर फेंका हुआ है। अरे मैंने पेट लिया छोटे से पेट कर लिए थे, तो चलिए आप सब बने रहे जैसा होगा। देखिए पानी कैसे आ रहा है, तो बहुत के पानी हम लोग भरना पड़ता है, उसी से बुन बुन से हम लोग को पानी पीना पड़ता है। तो चलिए आपसे बने रहे तक, बस डायरेक्ट घर का पूरा काम करके जब पानी वानी भर के वाशिंग मशीन भर के, क्योंकि आज कपड़ा धोना आप लोगों से बताए थे, तो इसीलिए पानी वानी वाशिंग मशीन में भी भर दिए, सब करप कर दिए। बस लाइट आएगा तो वहाँ घर जाकर कपड़ा धोएंगे। तो अभी हम यहाँ पे आए तो कल हमने रोटी ले जाने भूल गए थे, तो यहीं पर छोड़ दिए और पूरा खराब हो गया घर, महक रहा है, कौन है भाई। तो अभी हम चाय बना, देखिए कितना सारा दूध फट गया अंकल का, पूरा कितना सारा नुकसान हो गया। जितना बिक्री नहीं होता है उतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है दूध का। तो कोई बात नहीं, घर के आदमी मतलब हमारा अंकल खा लेंगे दूध को। भी छेना बना रहे, देखिए छेना बना रहे, दूध गर्म कर रहे। पता है गाइस कल क्या किए हैं, हड़बड़ी की वजह से काम वाम ख़त्म करने के बाद दूध गर्म कर रहे थे, तो दूध गर्म करके चाय बना के हम पी लिए। अगर दूध हमने यही खुला छोड़ दर, बिल्ली यहाँ इधर से आके सारा दूध पी लिया गाइस। पता है इतना इतना गुस्सा लगा मेरे को अपने आप में, क्या ही बोला आप सबको। तो लाइट नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है, तभी इसमें हम चाय बना के पियेंगे और देखते हैं क्या खाएंगे। बहुत जोर से लग रहा, कुछ भी यहाँ पर मिल जाएगा तो वही खा लेंगे, सूखा सूखा जो भी। तो बर्तन इतना सा है, रूम सब पूरे क्लीन है, बस पूरा किचन में बना। आज हम यहाँ पे क्या खाना बनाने वाले हैं आप लोग को दिखाएंगे। आज देख सकते हो भिंडी है, बहुत दिन से भिंडी पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ भिंडी भुजिया और दाल भात बना दूंगी। तो देख सकते हैं ये लोग भिंडी बनाते हैं, चलिए इसको काटते फटाफट। चलिए फटाफट अभी दूध को खाली कर देते। इसमें आधा हम ले जाएंगे, आधा हम लेते हैं। दूध का गाइस अभी हम पहले खाना चढ़ा दिए, अभी दाल चढ़ा देते हैं। सॉरी, दाल बड़ी, दाल बड़ी
देखिए इतना सारा, इतना सा दाल बनाएगा, इसमें थोड़ा दाल हम ले जाएंगे, बच्चे को खा लेंगे। तो इसको पहले धो लेते हैं। कोई पूछे मेरे दिल से डाल देते हैं, और अभी इसमें हल्दी को मंदिर की चढ़ा देते हैं। तो चावल भी हम डाल देते, चावल चावल डाल देते फिर मिलते हैं। तो गाइस कोई ब्लॉग बनाने के लिए नहीं है ना, इसलिए मेरे कितना मुश्किल होता है, आप लोग कितना मुश्किल से ब्लॉग दे पा रहे हैं अभी हमको पता है। साला कोई भी ब्लॉग बनाने के लिए मेरी बेटी बड़ी बड़ी मेरा हेल्प करती है। बनाते हो कमेंट में जरूर बताना, और हम तो बस प्याज और मिर्चा देके बनाते हैं सिंपल सा। और ये देखिए मैंने काट के रख दिए, मैं
और थोड़ा सा बर्तन धो लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस तो सारा कुछ काम खत्म हो गया ऑलरेडी। देखिए भुजिया बन गया, दाल बन गई, खोआ बन गया। तो अभी हम खोआ उसे थोड़ा ले जाएंगे क्योंकि अंकल से हम पूछ के जा रहे हैं बिना कुछ कुछ सामान ले जाते हैं। तो सारा खोआ, एक खोआ ले जाएंगे और भात भी बन गया अंकल के लिए, खा लेंगे। तो चलिए कैसा लगा बताइए कमेंट करके जरूर से। तो चलिए घर बता घर जाते हैं। गाइस घर आ चुके फाइनली और लेके आया खोआ, थोड़ा सा लेके आया बस, और दाल चावल भिंडी भुजिया बना दिए थे अंकल को। तो सारा घर उस करके काम खत्म हो गया। तो इस घर का भी पूरा हाल ऑलरेडी पूरा काम खत्म हो चुका। तो आज बहुत दिन के मतलब 2 सप्ताह के बाद आज हम कपड़ा धो रहे मशीन में, और ऐसे ही तो फट धुला जाएगा। मतलब ज्यादा हम लोग का तो ज्यादा गंदा नहीं है, लेकिन बच्चा लोगों को ज्यादा गंदा है। तो इसमें भी बाल्टी में डुबाए थे कपड़ा। तो अभी चलो अभी सारा कपड़ा उपड़ा धोते हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हुआ जैसा हुआ मैं ब्लॉग बना दी, और पूरा तो एक लगातार लाइन से आप लोगों को ब्लॉग दिखाया। आप लोग बताइए ब्लॉग देखने में कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।